नाम हमारा बिहारी लाल साहू है सर, पिता का नाम भगोले साहू। इसमें 1/3 के हिस्सेदार हूँ हम। ये हमारा घर अंगना जो है तो पूर्व से बाप पुरखा बसा रहा है, उसी को अपने नाम और रिकॉर्ड में पट्टा करवा लिया है। लक्ष्मी नारायण का लड़का जग नारायण हुआ का नाम है हो सौरभ, सौरभ के नाम है हमारा घर अंगना जो है तो उसके नाम रजिस्ट्री कराया है। अब 95 डिसमिल का रकबा बचा विशेष, उसमें हमारा हिस्सा होता है 95 में आधा 47 डिसमिल, तो 47 डिसमिल में लक्ष्मी नारायण जग नारायण उसमें हिस्सा 1/2 का लिए हैं। हमारा सर कहीं नहीं दिखा रहा है कि कहाँ पर दे रहे हैं, कहाँ देगा। जैसे जो कागज देखा जा रहा है, जो आपके पास रिकॉर्ड है, उसमें उनका नाम लिखा हुआ है, जग नारायण का नाम लिखा हुआ है, तो ये आखिर कैसे लिखा गया, इसमें उनका नाम कैसे आया, जमीन आपका था तो? जी जमीन वो सर हमारा पीछे कर दिए 20 डिसमिल तय करके और दूसरे जगह दे दिए हैं बन बगार में कहीं। हमारा एंट्री जब मौके मौके मैन पर जमीन है, मैन स्थल पर हर जगह 3-4 जगह है सर मैन जगह पर, वहाँ पीछे भमाई भमाई करके और कह देते हैं, नक्शा तरमील करवा के कह देते हैं, कुछ जमीन दिए नहीं है। ये जो घर बना हुआ है जो सामने दिख रहा है, ये कितने वर्ष पुराना घर है? ये हमारा बाबा के पैदाइश से हम है, सैकड़ों वर्ष ऊपर हो गया, 110 साल तो हमारा पिता जी रहे हैं, तो खत्म हो गया आज ये 3-4। तो ये जो घर की बात चल रही है, घर वाले जमीन का नंबर भी उन्हीं के नाम पे शो कर रहा है, तो ये कैसे हो गया? जी सर, तो वो अब कैसे होगा, जो सर कोई कलेक्टर आवे, तहसीलदार आवे, समाधान कर दे तो समाधान हो जाएगा सर। ये इसमें ऐसा है, इसमें सर ऐसा है कि एक दिन किसी न किसी दिन टेंशन बनेगा तो मुद्दा कट जाएगा, इसको समाधान किया जाए। चलिए ठीक है, आपके भाई भी यहाँ पर हैं। भैया आप बताइए, जो ये विवाद है किस प्रकार से ये विवाद है और इसका निपटारा कैसे किया जा सकता है? ये निपटारा कर जा साहब की 1/3 के हिस्सेदार हैं, 1/3 में हमका हिस्सा मिलना चाहिए बस। तो जैसे हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर जो मकान आपका बना हुआ है बरसों पुराना, वो उनके नाम पर शो करने लगा, वो जमीन वो नंबर, ये कैसे संभव है? अनपढ़ आदमी है, उसका पढ़ा लिखा आदमी है, विवाह रही शुरू से अंत तक के आज तक ऐसा मामला चल रहा है सर, इसको जैसे समाधान हो जाए।